हटा देना चाहिए संसद में। एक मिनट, गाड़ी हटा देना। लगातार बढ़ रहा है और उसमें से आरोप लग रहे हैं कि वो महिलाओं के सम्मान नहीं करती है। रमा देवी की भाई, देखिए मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या कहा गया है, लेकिन कल क्योंकि सदन में बहुत सारी ऐसी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, हालांकि जो बात उन्होंने कही थी कि इस खराब भावना के साथ नहीं कही थी, क्योंकि एक दो लाइनें आजम खान साहब ने कही, कुछ बातें विपक्ष से आई, फिर चेयर से आई, तो उसी बात को आगे बढ़ाया है। और आज भी अगर कोई आगे बढ़ा रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनकी भाषा तो सोचो। हम तो केवल इस सदन की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सदन चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश के सदन के बारे में जानकारी करिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किस भाषा का, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो बहन के समान है, उसके बावजूद मैं आपके सामने और मैंने चेयर के सामने भी यही कहा कि अगर कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो उसको निकाला जाए और हम तैयार हैं उसके लिए, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल हुआ हो तो। सर आपने बीजेपी के देवी ने खुद हमें कहा है कि वो चाहती है कि आजम खान इधर माफी मांगे या उनको सस्पेंड कर दिया जाए। देखिए अगर अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, स्पीकर हैं या चेयर पे जो थे वो देख सकते हैं कि क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहाँ। सर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि आजम खान ने जो भाषा इस्तेमाल की है उनका सर कलम करके संसद के बाहर लटका देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मैंने स्टेटमेंट सुने हैं और हम तो कहते हैं आपसे, बलिया के उनके विधायक हैं, उनके बारे में सोचिए आप क्या कह रहे हैं वो। और उत्तर प्रदेश में सदन में क्या नहीं कहा गया कि ठोक दो? और देखो ठोक दे का असर क्या हुआ, हम विपक्ष में हैं, सरकार में भी हम रहे हैं, दो पुलिस के दरोगों ने एक बहन को गर्भवती बना दिया और इसलिए गर्भवती बना दिया कि उसके पति को वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि तेरे पति का इनकाउंटर हो जाएगा। 6 महीने तक उस बहन के साथ क्या किया इन दो पुलिस के लोगों ने, बड़े अधिकारी हैं। हम अगर कहीं सवाल उठाएं, कोई सुनने वाला है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कौन सुनने वाला है। उत्तर प्रदेश में एटा में आवागढ़ थाने में एक महिला के साथ 6 महीने दो पुलिस के अधिकारी सोए हैं, उन्होंने इसलिए ब्लैकमेल किया कि तुम्हारे पति का इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्या देश ऐसा है? जालौन में एक बाप अपनी बेटी को लेकर के कूद गया कुएं में और जान दे दी क्योंकि उसके यहाँ खाने का कुछ नहीं था। क्या उत्तर प्रदेश ये है? क्या आपने सोनभद्र नहीं देखा? आखिर क्यों इल्जाम लगा रहे कांग्रेस पर, क्यों इल्जाम लगा रहे हो समाजवादी पार्टी पर? आखिरकार दाखिल खारिज किसने किया है? दाखिल खारिज किसने किया है? क्या बीजेपी के नेता अधिकारियों से मिलकर के दाखिल खारिज नहीं किया क्या? हम तो कहते हैं कि जमीन जिनके नाम चली गई है कैंसिल करें और जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, उनके नाम पे जमीन कर दें, सरकार उनकी है। वही जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो साफ तौर पे कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, रमा देवी ने खुद कहा, क्योंकि चेयर पे रमा देवी से तो माफी मांगे। अगर कहीं अनपार्लियामेंट्री शब्द हैं तो मैं समझता हूँ पूरी पार्टी हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, बताओ अब अगर थाने में एक बहन के साथ 6 महीने तक दो पुलिस के अधिकारी सोते रहे, उन्होंने उसके साथ अन्याय किया, क्या कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी, हमें बताए। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, देश में क्या सबसे ज्यादा नहीं हो रहा? आप केवल क्योंकि एक सवाल उठाना उससे कुछ पॉलिटिकल लाभ होगा क्या? ये जो नारे लगते हैं वो पॉलिटिकल नारा नहीं है, हम तो अपने बचपन से सुनते आए हैं सीताराम। क्या सीताराम नारा नहीं है आज भी गांव में? लेकिन पार्लियामेंट में आप नारा सुनिए क्या बना है, किसी को छेड़ दें? आप हिंदू नहीं हैं, आप क्या हैं? आप कुछ भी नहीं हैं। सर मैं जौहर यूनिवर्सिटी को भी तोड़ने की बात हुई, गेट को हटाने की बात हुई है। देखिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, उन पे तो न जाने कितने मुकदमे कर दिए जमीन के, कोई 12 साल नहीं बोला, कोई 10 साल नहीं बोला, लेकिन जैसी सरकार बदल गई, आपको ये जानना चाहिए कि जो व्यक्ति 10 साल नहीं आए सामने, आखिरकार वो 10 साल ना आने के बाद कैसे बाहर निकल के आ गए? आखिरकार उनके पीछे कौन है, कौन उनको ताकत दे रहा है? कम से कम ये जानना चाहिए आपको।
अगर हर चीज़ को आप खोज लेते हैं तो कम से कम आपको ये भी खोजना चाहिए कि उनके पीछे कौन है। वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें पढ़ाई हो रही, कोर्स चल रहे हैं, बच्चों का भविष्य बन रहा है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कम से कम आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने का काम किया है। अगर कोई कमी है, तो उसके लिए व्यवस्था है, जांच है, उनकी भी बात सुनी जाए, कोर्ट है, तमाम जगह पर उन्हें न्याय मिलेगा। आम सड़क पर गेट खड़ा किया गया था। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।